वहाँ से रामनगर के सामने से होते हुए सड़क बहुत टूट गई है, वो चारबाग तक बहुत ख़राब है, चारबाग से आगे सूफी साहब तक, पसीने वाले हनुमान जी तक, चंद्रवार जी के मंदिर तक, और इससे आगे कटीनर तक, फतेहाबाद रोड तक, इस सड़क की कोई बहुत ही बुरी स्थिति थी, कहीं पर 3 मीटर की, कहीं पर कच्ची, कहीं पर गड्ढे। इसको पूरे को लगभग 4.25 करोड़ रुपये का ये एक प्रस्ताव, बड़ी एक लंबी प्रक्रिया थी, यहाँ विभिन्न विभागों की सड़कें थी, जैसे कि ग्राम सभा की जगह थी, सड़क थी, जिला पंचायत की सड़क थी, नगर पालिका की सड़क थी, PWD की भी सड़क थी। तो काम होने वाला दिक्कत ये थी कि आगे विभिन्न विभाग हैं तो पूरा काम कैसे हो, लाखों की संख्या का मेला, चाहे वो जैन समाज का हो, चाहे हनुमान बाबा का हो, चाहे सूफी साहब का उर्स हो, लक्की मेला लगता था, यमुना का किनारा होने के कारण दशहरे का मेला लगता था, ये समझ लीजिए कि लाखों लोगों का आना जाना। इसके अतिरिक्त यहाँ सैकड़ों की संख्या में गांव है, प्राचीन फिरोजाबाद का उद्गम स्थल चंदवार जी भी यही क्षेत्र है, तो हर तरह से ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक अच्छी सड़क की ज़रूरत थी। यह मार्ग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में विकास की एक नई परिभाषा निकलेगी, यहाँ पर ये सब ईश्वर हैं, ईश्वर देव हैं, उन सब की कृपा से काम हुआ है, लेकिन इस सड़क से इस क्षेत्र के विकास के एक नए आयाम खुलेंगे। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से सभी का आभार प्रकट करता हूँ, और हमने पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया है इस सड़क की क्वालिटी देखने दिखाने लायक होगी। पूरा विभाग और ठेकेदार श्रद्धा के साथ करने को इस काम को तैयार है, और उसके अलावा हम सब लोग और क्षेत्र की जनता उनका सहयोग करने की स्थिति आएगी तो शत प्रतिशत सहयोग करेंगे, पर काम की क्वालिटी हमको एक्सट्रीम बेस्ट नंबर 1 चाहिए, ऐसी हमने अपेक्षा के साथ आज इस काम का शुभारंभ किया है। बहुत बहुत